लड़के मरे हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये फोटो पंजाब के रहने वाले 16 वर्षीय गुरजिंदर की है, जो एक किसान परिवार का इकलौता बेटा था। गुरजिंदर को क्या पता था कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने से पहले ही मौत उसका इंतजार कर रही है। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा परिवार सदमे में है। रात को 12:30 बजे 4 सेक्टर के पास ट्राली पे बैठा हुआ एक बच्चा 16 साल का, बहुत खूबसूरत सुंदर, थाना गांव का, जो होशियारपुर में पड़ता है, वो वहाँ पे झटका लगने से ट्राली पे वो नीचे गिर गया। पीछे से कोई गाड़ी, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, वो उसको कुचल के चली गई। उन्होंने बाद में देखा भी बच्चा गिर गया है, तो उन्होंने उठाया और यहाँ पे दिया इनको। मौके पे मौत हो गई, गाड़ी को ने कुचल दिया उसको। तो क्या कहना चाहेंगे अब ये आंदोलन? ये तो इनको बीजेपी सरकार को और मोदी को ये सोचना चाहिए, ये खट्टर सरकार को भी, इनके कौन से बच्चे हैं और ये निर्दयी हो चुके हैं भी। देखो छोटे अकेला बच्चा था, इनका बेटा अकेला था और माँ बाप जो हैं वो रो रहे हैं, और उनके नाना जी साथ हैं, वो कह रहे हैं भी मैं कैसे इनको घर जाके इसकी माँ को बताऊँगा भी, इस तेरा एक बेटा था वो भी आज पूरा हो गया आंदोलन में, शहीद हो गया, हम इसको शहीद कहेंगे, और ये जा रहे थे दिल्ली की तरफ। बताया जा रहा है कि मृतक गुरजिंदर होशियारपुर के थाना गांव का रहने वाला था, जो बीती रात को ट्रैक्टर ट्रॉली में किसानों के साथ सवार होकर दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली करनाल नमस्ते चौक के नजदीक पहुंची, तो अचानक से गुरविंदर ट्रॉली से नीचे गिर गया। तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया और हादसे में युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिली थी करीब 11 बजे भी, एक लड़का नमस्ते चौक पे ट्रैक्टर ट्राली से गिर गया और जिसके ऊपर से कोई अज्ञात व्यक्ति निकल गया, ये जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुँच के डेड बॉडी को उसको जुआया गया था, तो पता चला तफ्तीश के दौरान ये लड़का गांव थाना जिला होशियारपुर का रहने वाला था, जिला होशियारपुर का रहने वाला था और दिल्ली जा रहे थे एजिटेशन में भाग लेने के, किसान थे। तो मौत हो गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? 174 कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस दुखद घटना से ठीक एक दिन पहले भी पंजाब के रहने वाले दो किसानों को भी तरावड़ी के पास एक ट्रक ने कुचल दिया था, जिसमें दो किसानों की मौत हो गई थी। बहरहाल पुलिस दोनों मामलों की गहनता से जांच कर रही है। वहीं युवक की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करनाल से KCRA, पंजाब केसरी टीवी।